नमस्कार। अब यहां हमने दिखाया है कि एमसीसीबी और एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये दोनों एक साथ कैसे यूज करते हैं। यहां पे चार लोड लगे हैं, हर लोड के लिए एक एक एमसीबी है, तो चार लोड और चार एमसीबी, 1 2 3 4, मगर एमसीसीबी एक ही है। ये जो कांटेक्ट हमने ओपन दिखाए हैं, जब ये काम कर रहे होंगे दोनों एमसीसीबी और एमसीबी, तो ये क्लोज होंगे, तो आप मानिए कि ये क्लोज हैं। अब यहां चार लोड दिखाए हैं, मान लीजिए एक में 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो चारों मिला के कितनी हो गई, 200 एम्पियर। तो इस एमसीसीबी में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगी और इनमें 50-50 एम्पियर। अब क्या होगा, ये जो करंट है देखिए कैसे फ्लो होती है, ऐसे, मतलब ये 50 एम्पियर करंट इससे भी फ्लो हो रही है और इससे भी फ्लो हो रही है। इसी प्रकार ये वाली करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब ये वाली करंट इस एमसीसीबी से फ्लो हो रही है और इस एमसीबी से भी फ्लो हो रही है, मगर ये करंट इस एमसीबी से फ्लो नहीं हो रही। इसी प्रकार मान लीजिए ये करंट हम लेते हैं, तो ये करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे। तो ये करंट इस एमसीबी से खाली फ्लो हो रही है, इनसे फ्लो नहीं हो रही। तो ये चारों करंट अलग अलग एमसीबी से फ्लो हो रही हैं, मगर कॉमन एमसीसीबी से फ्लो हो रही हैं। अब यहां 200 एम्पियर है, तो इसकी रेटिंग 200 से ज्यादा होगी, और यहां 50 एम्पियर है, तो इसकी रेटिंग 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, मान लीजिए 63 एम्पियर है। अब मान लीजिए यहां पे फॉल्ट आता है, तो पहले ये ट्रिप होगा 63 एम्पियर पे, ये ट्रिप होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसकी करंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार अगर यहां फॉल्ट आ गया तो ये ट्रिप हो जाएगा, इसको ट्रिप होने के लिए काफी ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। तो फायदा क्या होगा कि अगर यहां फॉल्ट आ गया तो ये ओपन हो जाएगा और ये तीनों काम करते रहेंगे, ये लोड आइसोलेट हो जाएगा। इस प्रकार अगर यहां फॉल्ट आ गया तो ये वाला ट्रिप हो जाएगा, बाकी लोड काम करते रहेंगे, उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग अलग एमसीबी लगाने का ये फायदा है कि अगर एक में प्रॉब्लम आ जाए तो वो ट्रिप हो जाएगा, बाकी काम करते रहेंगे। लेकिन अगर फॉल्ट यहां आ गया तो ये एमसीसीबी ट्रिप होगा, फिर किसी भी लोड को पावर नहीं मिलेगी। आज यहीं समाप्त करते हैं।